गाइस, आप अगर 8,000 के बीच में एक अच्छा सा फ़ोन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि ये चाइनीज़ है और ये जो फटा हुआ देख रहे हो ये मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग कर लिया था, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय था उसके सामने मुझे ये खोल के देखना था कि है कि नहीं, या फिर साबुन डाल दिया उन लोगों ने। तो इसके लिए मैंने इसे ओपन किया हुआ लेके आया, तो ये देखो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इसका। तो ये है रियलमी का C12। इसका बिल देख सकते हो आप, इसमें लिखा हुआ है 7,999 रुपये, यानी कि 8,000 रुपये। रियलमी का C12 है ये। इसमें आपको नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, अगर आप मतलब नॉर्मल चीज़ें करते हो तो वो सब करने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बाकी इसमें कुछ मतलब हैवी टास्क वगैरह ये झेल नहीं सकते। यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ था, इसमें 6000 mAh का बैटरी मिलता है। हालांकि आपको मैं स्पेसिफिकेशन बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स की क्वालिटी कैसा है, क्या है, क्या क्या कुछ फीचर है। इसमें लिखा हुआ है 6000 का जो mAh का बैटरी है वो बार बार इन लोगों ने मेंशन कर दिया है। मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन ये चाइनीज़ फ़ोन है, इस हर किसी को पता है, ठीक है। यहाँ पर इस साइड से भी रियलमी C12 लिखा हुआ है, नीचे से यहाँ पर एक बिल जैसा लिखा हुआ था। और ये देख सकते हो बॉक्स, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जब इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर पहले हमें मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जो जिसमें यहाँ पर देख सकते हो कुछ क्विक गाइड या फिर क्या क्या निकल रहा है, आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं। ये देखो, इस हाथ से ये ओपन है नहीं हो रहा, एक हाथ से मतलब एक हाथ से मैं पकड़ा हुआ हूँ ये कैमरा और एक हाथ से ये फ़ोन निकाल रहा हूँ, तो दिक्कत हो रहा है। तो इस हाथ से लेफ्ट हैंड साइड से मैं तो निकल सकता हूँ। यहाँ पर एक सिम इंजेक्टर टूल, कुछ वेलकम नोट लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ स्टार्ट गाइड लिखा हुआ है शायद। तो ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये है कुछ स्टार्ट गाइड और ये है क्विक गाइड। और यहाँ पर देख सकते हो एक सिम इजेक्टर टूल है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स एम्ब्रेस ए न्यू जर्नी। और पहले भी कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पर था है वेलकम टू रियल मी फैमिली, और बाकी कुछ नहीं था। यहाँ पर देख सकते हो फ़ोन रखा हुआ है, तो फ़ोन में पहले निकाल लेता हूँ, फ़ोन को ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिम कार्ड का कुछ लिखा हुआ है पहले कि इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलते हैं, तो हर किसी को पता है। तो इस सेट से कुछ प्रोफाइल देख सकते हो फ़ोन का, तीन कैमरा मिलता है, एक फिंगरप्रिंट मिलता है, सामने एक कैमरा मिलता है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है, हेडफोन जैक भी मिलता है हमें। बजट कैटेगरी के जितने भी फ़ोन्स होते हैं चाइनीज़, उनमें तो हेडफोन जैक होते ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो कलर मैंने ब्लू चूज़ किया था, और इसमें तीन कैमरा है, ब्लैक कलर, ब्लैकिश कलर में आईफोन की मतलब जो नया वाला आया था उसके हिसाब से दिया था इन लोगों ने, लेकिन आईफोन तो बनेगा नहीं क्योंकि ये एंड्रॉयड है, ठीक है। इसके मतलब हर एक सेंसर इसमें मौजूद है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो बड़ी सी ब्रांडिंग है वो भी अच्छा ही दिख रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। तो इसमें हटा देता हूँ, तो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत लुक इसका, ठीक है। तो इसमें ब्लूइश कलर जो मतलब एक ग्रेडियंट आ रहा है वो भी मुझे अच्छा ही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन ये प्लास्टिक बिल्ड है, ठीक है, इसमें ग्लास मेटल ये सब कुछ नहीं है, ओनली प्लास्टिक का है। तो ये मतलब इतना स्टडी और इतना मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं है। फिलहाल इसे हम बूट कर लेते हैं। बूट करने के साथ साथ यहाँ पर देखो रियलमी लिखा हुआ आ गया, रियलमी पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा हुआ आ गया, और इसके बॉक्स के अंदर और क्या क्या वो भी दिखा देता हूँ आपको। बड़ा सा चार्जर, लेकिन ये 10W का है, फास्ट चार्जर नहीं है, ये एक बुरी बात है। देख सकते हो 10W का चार्जर है, मतलब ये लोग क्या घटिया करते हैं। यहाँ पर USB के लिए एक पोर्ट दिया गया है, इन पोर्ट दिया गया है ये। और बॉक्स के अंदर और एक है डाटा केबल, बाकी कुछ तो है नहीं। तो डाटा केबल है आपका माइक्रो USB जो कि टाइप सी होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर आपको ओनली माइक्रो USB मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप माइक्रो USB का क्वालिटी मतलब डिसेंट क्वालिटी, और क्या, ये तो मतलब फ्लैगशिप लेवल वाला बनाएगा नहीं। आईफोन ही आजकल चार्जर नहीं देता है, तो इन लोगों ने दिया वही बड़ी बात है। बॉक्स पे और कुछ भी नहीं है, तो इतना सारा चीज़ें हमें मिला बॉक्स से। एक फ़ोन मिला था, एक बड़ा सा चार्जर एडेप्टर मिला, और एक केबल मिला, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सिम इंजेक्टर टूल, और आजकल तो वो भी बंद कर दिया, सिलिकॉन केस भी बंद कर दिया इन लोगों ने, और बॉक्स इस साइड से पड़ा हुआ है। तो यही चीज़ें हमें मिलते हैं बॉक्स में। तो अब मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ, और सेटअप करते करते कुछ आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर सेटअप करने के बाद आप देख पाएंगे कि क्या क्या है फ़ोन में। ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 बेस्ड है, और इसमें आपको मैंने यहाँ पर 3GB और 32GB चूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे बूट कर दिया है और इस सेटअप भी कर दिया है। तो यहाँ पर रियलमी UI पे
आ रहा है यहाँ पर वेलकम आ रहा है। तो यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड में जब क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ये ओपन हो गया फ़ोन, मतलब इतना फास्ट नहीं लग रहा मुझे अभी तक, ठीक है। तो कुछ नोटिफिकेशन भी आ रखे हैं, आई डोंट नो ये सब क्या है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ एड्स वगैरह तो नहीं दिखते हैं, लेकिन दो चार रियलमी के ऐप्स और कॉल वगैरह तो गूगल के ही है, अमेजन वगैरह आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं, लेकिन वो आप फिर इसे उड़ा सकते हो, मतलब कि इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉल और मैसेजिंग ये सब मतलब गूगल का है, और YT म्यूज़िक यूट्यूब और चाइनीज़ कुछ बैंड ऐप तो नहीं नज़र आ रहे मुझे यहाँ पर, ठीक है। गूगल फ़ोटोज़ और बाकी सारे सेंसर्स वाला जो ऐप होते हैं, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसे, छोड़ो यार जो भी बोलते हैं, और दिशा देखने वाला, ठीक है, कॉम्पस ऐप वगैरह भी है। तो फिंगरप्रिंट मैं टेस्ट कर रहा हूँ, देखो फिंगरप्रिंट मैंने लगा लिया था पहले ही सेटअप करते टाइम, वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बनने वाला था। तो यहाँ पर देख सकते हो फेस अनलॉक भी हो गया, मतलब हर एक चीज़ फास्ट काम कर रहा है क्योंकि ये नया फ़ोन है और दो दिन बाद तो ये सब काम करेगा, लेकिन रैम मैनेजमेंट इसका इतना अच्छा नहीं होगा मुझे पता है पहले से ही, क्योंकि मैं पहले से ही रियलमी का C1 चला रहा था, तो बजट कैटेगरी के जो फ़ोन होते हैं वो कैसा होता है वो मुझे पता है पहले से ही। तो यहाँ पर देखो 3GB की रैम के हिसाब से ये जितना हो सकता है कर लेता है फास्टली, ठीक है। बाकी कॉल वगैरह जो मिलेगा वो आपको गूगल का मिलेगा, उसमें आपको मतलब बड़ी अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है गूगल के ऐप्स, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हम चलते हैं फिलहाल सेटिंग्स में और जाके आपको दिखा देते हैं कि कैसा है क्या है। अबाउट फ़ोन में जाएंगे, ये है सेटिंग्स के इंटरफेस, आप देख सकते हो। तो अबाउट फ़ोन हाँ ये मिल गया। तो ये अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या है, कॉर्नेल वर्जन, व्हील वर्जन, रियलमी C12 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एंड्रॉयड 10 है, 3GB रैम है, 32GB इंटरनल है, और क्या क्या है, मॉडल नंबर वगैरह, नो सिम, ये सब लिखा हुआ है। इरेगुलरिटी, यहाँ पर सिम डालूंगा तो भी इरेगुलरिटी में हो जाएगा क्योंकि तभी से मतलब वारंटी शुरू हो जाएगा, एक साल का वारंटी भी मिलता है। और ये देखो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है ये फ़ोन। और फ़ोन में बाकी क्या दिखाओ आपको, कैमरा तो दिखाने लायक है नहीं क्योंकि 3 कैमरा है, लेकिन कैमरा कुछ काम का नहीं है, बस दिखने के लिए है। आपको मैं बता देता हूँ, फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है और रियर में 13+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है, आप देख सकते हो फ़ोन। और यही था बस एक बजट कैटेगरी में और क्या क्या दिखाया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, बाकी चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.